अपना दूध डाल दिया मुंह दिखाने भूल गए। देखो अभी देख सकते हो आधा मिला है आधा नहीं मिला है। अभी तुरंत दूध डाले हुए हैं। अब इसको जब तक ना हलवा जैसे नॉर्मल हलवा नहीं बनता है वैसे ये सूखेगा, जब तक ये सूखेगा तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है चलाओ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल जॉर्ज मांगती। तो आज बाबू को अचानक से खाने का मन किया गाजर का हलवा और हम सोचे कि चलो तो अभी बनाते हैं, बहुत दिन से बनाए भी नहीं है। हमको भी सच बताया ना बहुत मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने में, बहुत टेस्ट होता है गाजर का। ऐसे हम खाते नहीं बस गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो मायरा का वैसे भी शाम में ना कुछ तो कुछ टिफिन बनता ही है, तो हम सोचे कि चलो छोटा बाबू बड़ा बाबू दोनों खा लेगा। तो फाइनली हम बना रहे गाजर का हलवा। तो आज दूध गर्म करने चढ़ा दिए हैं, दूध उधर खोलेगा तब हम इसको करके तुरंत चढ़ा देंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। और हमको ये हलवा बनाने के लिए सिखाया, पता है कौन? बताओ कौन सिखाया? कौन? मीना मौस। गाजर का हलवा से याद आया हम भी बनाए थे गाजर सूखा हलवा। कहाँ पे? कहाँ बनाए? गाजर का हलवा बनाए थे, भूल गए स्टोरी। गाजर का हलवा बना के लेके गए थे कोलकाता खिलाए। ओ हाँ हाँ हाँ। आप खुद बनाए थे वो? हाँ। पहली बार। और मदद कर रहे हैं आर्यन आरजे भाई और कैमरामैन राहुल के साथ। आपको सारा अपडेट मिलेगा। आज कैमरामैन मैं बन गया हूँ। तो आज देखते हैं गाजर का हलवा मम्मी कैसे बनाती है। और पिछले बार बना के खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? हम दो बार, एक बार तो हम उधर भी बनाए थे, इधर बना रहे हैं, इधर दो बार बना रहे हैं। जब प्रेगनेंट थे तब भी हमको इतना मन कर रहा था इस गाजर का हलवा खाने के लिए। मेरी मम्मी सच बताया तो कभी नहीं बनाती थी। तो हम कोलकाता में बनाए थे, मतलब मम्मी को बता बता दे रहे थे, मम्मी बनाई थी तो मम्मी को बहुत टेस्टी लगा। तो अभी ये याद करवा दी ना, अभी याद आया सच, पापा को खिलाते उधर बना के। तो उधर जाएंगे ना फिर से पापा मम्मी को खिलाएंगे। तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा सब कुछ बताने वाली आज। तुम्हारे स्टाइल में कैसे बनाते हो? हम बहुत इजी स्टाइल बनाते हैं। आप लोग भी मतलब देखो सबसे पहले तो गाजर को धो के अच्छी मतलब छील के धो के गाजर को सबसे पहले छीले हम लोग, फिर उसको घिस के पतला कर रहे हैं। उसके बाद का प्रोसेस जब मम्मी किचन में जाएगी तो आप। और अभी तो दूध गर्म कर रहे हैं, बस ऐसे नॉर्मल जैसे दूध खौलाते हैं ना वैसे एक बार खौला लीजिएगा। क्योंकि कच्चा दूध पता नहीं कोई कोई तो डाल देता है कच्चा दूध, लेकिन हम दूध खौला के डालते हैं खौला हुआ वाला। तो उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लिए और ना थोड़ा सा काजू बादाम था, किशमिश भी दे सकते हैं। हम किशमिश नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। तो ये वो दीजिए ना, भूखा है अच्छा नहीं लगेगा भूजा हुआ खाने में, घी से भूजा हुआ। और एक काजू बादाम ना घी से फ्राई कर लिए, उसके बाद फिर से कढ़ाई में तो घी दे दे रहा है। आप ना इलायची भी दे सकते हो, इलायची बहुत लोग देते हैं, हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास साइज है, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं। दे देते हैं है। आप लोग अच्छे से रेसिपी शेयर करें तो दे देते हैं। हम दो यहाँ पे इलायची दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद घी में ये जो जितना ग्रेट किया हुआ गाजर उसको फ्राई करना है। जिसको जिसको गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, वो अगर ऐसे गाजर का हलवा बना के खाओगे ना मतलब औसम लगेगा। हम तो इसमें खोआ वगैरह भी डालने वाले हैं। अगर आपके पास खोआ नहीं हो ना तो भी आप खोआ को स्किप करके कर सकते हो, तो भी गाजर का हलवा टेस्टी लगता है। लेकिन अगर खोआ डालोगे तो सोना में सुहागा हो जाएगा जो बोलता है। आज ज्यादा इसलिए बना ना क्योंकि मेरे घर में सबको गाजर का हलवा पसंद है, गाजर का हलवा। भर गया वो तो। हाँ पूरा भर गया, लेकिन इसको ना बहुत भुंजाएगा ना तो ये बहुत कम हो जाएगा, क्वांटिटी में कम हो जाएगा। तो अब इसका ना धीमे आंच करके रखे थे, अब इसको फ्लेम हाई करके इसको फ्राई करेंगे। और ना इसमें पानी भी छूटेगा, गाजर में पानी भी छूटेगा।
जब इसका जब पानी निकल आएगा ना तब इसमें से इतना अच्छा स्मेल आएगा गाइस। ये वाला रेसिपी बोले ना मेरा मौसी साथ हमको सिखाई है, वो तो बनाती है तो एकदम चाट के कटोरी पालने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उनसे सीखे तो मेरा भी थोड़ा बहुत टेस्टी बनता है। बेटा कौन अपने माँ को मामपी बोलते है, कौन अपने माँ को नाम लेके हमको आगे बोलते मामपी। अपने ये तो चलाने में हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि पूरा भर गया। तो चलो इसको तब तक भूनते हैं, और इसको ना बहुत देर तक भूनना पड़ेगा, मतलब कम से कम इसको ना 20-15 मिनट तक तो भूनने का ट्राई करना है। मम्मा नींबू का कोई काम नहीं है मुझे, आप जाओ आप जाओ बेडरूम में जाओ हमारे जाओ 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 बाय बाय बोल दिए टाटा। मायरा उठ गई है ना बाबू? उठ भी गई। और हमको भी एक चीज बहुत याद आ रहा है, ऐसे मम्मी कुछ खाना बनाती थी ना हम लोग भी मम्मी को ऐसे मांगते रहते थे जैसे मायरा मार रही है। अच्छा लगा इसको बट फेंकना मत बाबू। और खोआ बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। हम बता रहे हैं हम 3 किलो गाजर लाए हैं, 3 किलो गाजर के हिसाब से हम आधा किलो खोआ दे रहे हैं। अब आप लोग बताओगे कितना 3 किलो। सबसे पहली बात तो 3 किलो गाजर कढ़ाई में देने के बाद जब पानी छोड़ने लगता है ना तब पानी सूखने के साथ साथ गाजर का क्वांटिटी बहुत कम जाता है, तो और हमें इस सब में ना बहुत झमेला रहता है। ये ग्रेट कर पहले सुखाओ पहले दो मत करो, ग्रेट करो, ग्रेट करने में तो आधा झमेला लगता है। नो दो पहले फिनिश करो उसको। बहुत लोग दो प्रोसेस में खान बनाते हैं, एक तो सिझा के गाजर सिझा के तुरंत मैश हो जाता है, तो गाजर सिझा के करता है उसके लिए ना घिसना नहीं पड़ता है, गाजर को काट लो छोटा छोटा करके। उसका सुन नहीं रही हो तो कैसे कैसे कर रही है, तुम प्यार से रही बाबा दो 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 थोड़ा सा दे दो। चलो खुश जाओ 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 तो खेल के जाओ, दादी को जाके एक को दे दो, जाओ एक दादी को दे दो जाओ। गाजर का लो हुआ कि नहीं, रेडी जिम भी जाना है। हाँ, थोड़ा सा बाकी, इसको खिलाना भी है मेन चीज वो है इसको खिलाना, तो चलो जल्दी से खिला के जिम जाएंगे तो भाई। हाँ, जरूर। आप क्या होता ना आप उसको छोटा छोटा काट के ना उसमें घिसने का झमेला नहीं रहता, उसको कुकर में सिझा के आप बाकी प्रोसेस कढ़ाई में बना सकते हो, लेकिन हम लोगों के घर पे ना सब ग्रेट वाला ही खाना पसंद करता है, सिझा हुआ नहीं, मतलब जिसमें मैं ना दो पसंद करता है। तो हम क्या करें हमेशा तो ग्रेट नहीं करेंगे ना, तो थोड़ा ज्यादा ही क्वांटिटी में बना के रख रहे, अगर बच जाएगा वैसे भी ठंडी में कुछ खराब होना है नहीं तो फ्रिज में रहेगा, ओम ओम सब पसंद करता है बहुत ना। वो खा तो नहीं रही हो, ले रहे हो और क्या कर रहे हो, अगर फेंकेगी तो मार रही। देखो इतना में आ गया है गाजर, पानी छोड़ा बहुत पानी छोड़ा, और अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, छोड़ा बहुत पानी और थोड़ा थोड़ा पानी है, पूरा सारा खोवा दे दोगी तो थोड़ा सा खोवा दे दो ना हमको, और अभी दे देंगे खोवा, जो खोआ ना पूरा गीट बना हुआ था वो भी डाल सकते, पूरा गीट बना हुआ लेकिन ना गल मायरा जाओ बाहर जाओ किचन के बाहर जाओ। हम क्या क्या हाथ से ना उसके ऐसे चूर कर दिए तो पिघल जाएगा। अब इसको फिर से चला के ढक ढक के पकाएंगे जब तक पूरा खोआ ना मिक्स हो जाए इस गाजर में, तब तक ढक ढक के पकाएंगे। अभी तुरंत ना दूध डाल दिया, वो दिखाने भूल गए, देखो अभी देख सकते हो आधा मिला है आधा नहीं मिला है। अभी तुरंत दूध डाले हुए हैं, अब इसको जब तक ना हलवा जैसे नॉर्मल हलवा नहीं बनता है वैसे ही सूखेगा, जब तक ये सूखेगा तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है चला, मतलब धीरे धीरे लेकिन बीच बीच में चला के देखना कि नीचे लगने ना गया। और हम चीनी भी दे दिए, चीनी दे के उसके बाद हम दूध दिए। किशमिश देती तो और अच्छा लगता। किशमिश नहीं ना बाबू, पहले बोल के मंगवा देते ना, हम सोचे कि घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उससे ही बनाने का कोशिश करें, तो जो जो था आप लोग देखे ही हो। तो ये जब तक ना हलवा जैसे पूरा सूखेगा ना तब तक इसको बनाते जाना है ना, तो इसको सूखने देते हैं। और पापा अभी डिमांड करके गए कि पापा को अभी गर्म गर्म चाय का जरूरत है क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ठंडा है ना,
सही बात है, बीच बीच में अगर चाय ना मिले ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो ये पापा के लिए चाय बनाएंगे, आप पियेंगे चाय? बना लो थोड़ा। आप और मम्मी ना 3 कप चाय बनाते हैं गरम गरम। और क्या महक आ रहा है भाई हलवा का। ओहो, सही में आ रहा है क्या? हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। तो झूठ मूठ के वीडियो के लिए क्यों बोलेंगे? हाँ? वीडियो के लिए झूठ मूठ के थोड़ी ना बोलेंगे यार। नहीं हम सोच रहे क्या? नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। बनेगा? आई एम सो एक्साइटेड। पूरा सूखेगा, एकदम सूखेगा। जब तक ना सूखेगा ना तब तक उसको भूनते रहना है। ओके, दूध बहुत कम दी लेकिन। क्या बोलते हैं, दूध एक बार शोका फिर से दूध दिए है। चलो तो जब हलवा पूरा बन जाएगा सूख जाएगा फिर मम्मी आपको दिखाएगी और फिर से बता दे। गाजर, गाजर हमने काटा, घिसा, धोया, सब कुछ किया एंड बहुत सिंपल है गाजर का हलवा बनाना। और इससे भी अगर सिंपल बनाना चाहते हो ना, सीधा कुकर में गाजर को सीटी मार दो दूध देके, मतलब सीजने लाएगी दूध देना तो हलू गाजर क्या हुआ पूरा हलवा तो ऐसे ही पूरा सीज जाएगा आलू की तरह। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी देके, जैसे कि दाल घोटते हो ना वैसे कुकर में ही गाजर को घोट दो। उसके बाद घी में उसको डाल के अच्छे से फ्राई करके, खोआ देना हो तो खोआ दीजिएगा। उसके बाद फिर दूध दे के, चीनी दे के, काजू बादाम फ्राई करके देके, वो सबसे सिंपल ट्रिक होता है। और ये है और ये है मतलब थोड़ा सा बन गया। देख खा के बताइए। वाटर झूठ क्यों बोलेंगे, इतना अच्छा है। कैसा है योगेश? अब मेरे को वैसा एक्सप्रेशन तो नहीं आता। वाओ माय गॉड मम्मी बहुत अच्छा बनाई है। ऑब्वियसली लाइक अच्छा बना है। हमको थोड़ा टेस्ट करवाओ। उतना भी नहीं, थोड़ा सा। अच्छा है ना? तो गाइस फाइनली हमारा गाजर का हलवा रेडी और बहुत टेस्टी भी है, मजा आने वाला है। और ठंडा होगा तो और अच्छा लगेगा क्या? हाँ ठंडा हो जाएगा ना। बहुत दिन से खाने का मन था गाजर का हलवा। तुमको क्यों नहीं बोले आप मेरा बाबू, मेरा सोनिया? चल निधि, मेरा कुछ ही पूछी वैसे वैसे नहीं। तो किसका बाबू है? तू किसको बाबू? तू मेरा ना बच्चा है। तू किसका बच्चा? किसका बच्चा है तू? मैं अपना मम्मी पापा का बच्चा हूँ। तू मेरा बच्चा। जोर से मार लेगी साला। क्या तुम लोग ही निब्बी नब्बा पानी कर पीना, क्या होता है पोना, निब्बा पोना कर सकता है। वैसे अच्छा लगता है ये सब का। लो मैदा मैदा, क्योंकि हम भी निब्बी है ना बाबू। निब्बी किसको बोलता है? जो ज्यादा अलग अलग करता है। उदाहरण हम हैं ना बाबू। हम बता नहीं बिलो कैसे होता है, नहीं बताने की जरूरत है। खाना खाना क्या पढ़ने चाहिए, खिलाए आप भाभी। देखिए ना बाबू, देखा क्या बोल रहा है, बोला टंगला दिखा दे बाबू। तो आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको गाजर का हलवा का रेसिपी पसंद आया होगा। उसका बात घोड़ा का पाल एक है, बोला 15 मिनट में आ रहे हैं इसीलिए चिल्लाते हैं इस पे। आर्यन आर्यन बना। हाँ बेटा आर्यन। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।